बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तलवार फेंक तो कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ, समझती क्यों नहीं हो तुम? ये मलून कौन है? तो इन लोगों ने जाल बिछाया था हमारे लिए। छोड़ दो मेरी बहन को। मुझे मारकर कातिलों की मदद कर रही हैं असल में आप। बताओ मुझे, ड्रेगोस कौन है आखिर? तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे अर्तुरुल। कातिल यकीनन दोबारा मेरा पीछा करने की कोशिश करेंगे, और जब तक मैं कोई फैसला नहीं कर लेता मुझे रूपोश रहना होगा। लेकिन जाऊंगा कहां? हमारी जिंदगियां अब इसी हार से मुंसलिक हैं। ये मुमकिन नहीं है इरन। मैं एक मुजाहिद हूँ, ये सलीबियों का लिबास मैं नहीं पहन सकता। मैं जानती हूँ कुंदुस, लेकिन मेरी खातिर। कहाँ से तशरीफ ला रही हैं एलबिल के खातिर? उस सरजमीन पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी इजाजत लेकर घूमेंगे किसी से? क्या आपने मामलात का भी हिसाब देना होगा अर्तुरुल सरदार? हुआ क्या है आखिर? लहजे में नफरत क्यों है इतनी? कुछ नहीं कहना आपसे मुझे, चलो। कोई खास बात है बमसी, मालूम करना होगा कि क्या है। खातून, इल्बिल के खातून, खुशामदीद, खुशामदीद, आइए। शांति सरदार। खैरियत है जांगुच? बीमार लग रहे हो मुझे। नहीं 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 सरदार, बस असर मौसमी असरात है।
आपका घोड़ा ले जाता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल सरदार, एक मेहमान मुंतजर है आपका। ये नहीं हो सकता। और तुरंत मेरे जाल से कैसे बच सकता है? करो बेलो, करो बेलो। अमीर बहाउद्दीन, सराय में बने खाने की तरह सुल्तान अलाउद्दीन की दी हुई जमीन का जायका भी आपने बर्बाद कर दिया। ले जाओ इसे मेरे सामने से। खुशामदीद जनाब। बिलबिल के खातून, अपने वालिद की मौत पर मेरी जानिब से ताज़ियत कबूल फरमाइए। आपके बाबा बहुत करीबी दोस्त थे मेरे, एक अच्छे भाई, एक वफादार सिपाही, एक बहादुर इंसान थे। मुझे उनके जाने का बहुत अफसोस है एलबिल के खातून। मैं कभी उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। आमीन, अल्लाह आपसे राजी हो। मेरे यहां आने का मकसद कातिलों को ढूंढकर उन्हें सजा देना है। वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। तशरीफ रखिए। बाबा के कातिलों की तलाश में आपकी मदद करूंगी मैं। अताज साहब ने आपके बेटे के बारे में जो बताया है, क्या वो सच है अर्तुल सरदार? सबसे पहले रिस्क को इज्जत देना सीखी अमीर बहाउद्दीन, उसके बाद सरजमीन के मकाम और मंजिलत को समझिए।
उसके बाद अहमियत होगी आपके अल्फाज और आपकी। अर्तुरुल सरदार, हद में रहिए अपनी। हर शख्स अपनी हद जानता है अमीर बहाउद्दीन। आपको भी जानने की जरूरत है। खाना अल्लाह की नेमत है, जब खाना पेश किया जाए तो जरूरी है कि इसके आदाब का ख्याल रखा जाए। अब कहिए क्या कहना है। अर्तुरुल सरदार, तवील बात नहीं करूंगा मैं, बस वही बात करूंगा जो आप समझ सकें। अताज साहब के मुताबिक आपने अपने बेटे को फरार करवाने में मदद की है, क्या यह सच है? उसे हमारे पास लाइए, वरना आप सजा के मुस्तहिक होंगे, यह आप जानते हैं। इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश मेरा अव्वलीन हदफ है। इंसाफ तब होगा जब इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े एक से हो। मैं यहां कुंदूज सिपाही को कत्ल की तफ्तीश के लिए कोनिया ले जाने आया हूं। कोनिया क्यों अमीर बहाउद्दीन, सोत में क्यों नहीं? मुनसिफाना तहकीक के लिए यही सही तरीका है अर्तुरुल सरदार। आपकी और आपके बेटे की नजर में अगर आपका दामन साफ है तो आपको कोनिया जाने में किसी भी किस्म का तरद्दुद नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रही हो तुम? शहजादी हिरन के पास। और ये कौन है? नया मुहाफिज है ये। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें, क्या नाम है तुम्हारा? मारा थियोडोर, कब से इंतजार कर रही हो, कहाँ रह गए थे? सही वक्त पर आ गई हिरन, उस सिपाही को मुझ पर शक हो गया था। मैं इंतजार करती हूं बाहर। ये जगह सबसे ज्यादा महफूज है गुंदूस, यहां सिर्फ मैं और मारा आ सकते हैं, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं आता यहां। तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, एहसान है तुम्हारा। ऐसी बातें मत करो गुंदूस, मुझे बस एक ही बात का खौफ है, कहीं वो औरत तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। डरो मत, हौसला रखो, वक्त आएगा तो उसका भी हिसाब चुकता कर दूंगा मैं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी गुंदूस, अब मुझे जाना होगा, मगर मैं दोबारा आऊंगी। तुम्हें दरवाजा बंद रखना होगा, जरूरत का सामान पहुंचा दिया जाएगा।
अगर मुकदमा सूत में चला तो क्या फैसला तस्लीम नहीं करूंगा मैं, या आपको खौफ है कि रुकावट बनूंगा? और अपने बेटे को इंसाफ के लिए पेश नहीं करूंगा मैं। मैं किसी से भी खौफजदा नहीं अर्तुरुल सरदार, और खास तौर पर आपसे। यह अफसोसनाक वाकया सूत में पेश आया था अमीर बहाउद्दीन। अगर समाद कोनिया में हुई तो तफ्तीश और तहकीक शुभात के साए में होगी। एक सरदार की हैसियत से मुझे लगता है कि इस मामले की समाध सोत में होनी चाहिए। आपका बेटा लापता है और आप अभी से मुझसे मुजाकरात करने लग गए। पहले उसे तलाश करके यहां लेकर आए। जल्द सोत लेकर आऊंगा उसे और इंसाफ के लिए पेश करूंगा, और यकीनन गवाहों को भी। क्या कुछ और कहना चाहेंगे आप? कुंदूस को मैं कोनिया ले जाने आया हूं, क्या सुना नहीं है तुमने? मैंने कहा यह इंसाफ के खिलाफ है, आपने शायद समझा नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं अपने ओहदे का फायदा उठाकर अपने बेटे की मुमकिन गलती की हिमायत करूंगा? बहुत हो गया। अमीर की इजाजत के बगैर तुमने खड़े होने की जरूरत कैसे की? बैठ जाओ फौरन। अपनी तलवारें नीचे करो। जिद्दी, जिद्दी, बहुत जिद्दी हो। तुम्हारी ये जिद तुम्हारे खात्मे की वजह बनेगी अर्तुरुल सरदार। काबिले एहतराम अमीर, मैं भी यही चाहती हूं कि मुकदमा सऊद में चलाया जाए। ये आप क्या कह रही हैं एलबिल के खातून? गुंदूस ने यहां जुर्म किया है, सजा भी उसे सऊद में मिलनी चाहिए। इसलिए कि गुंदूस सिपाही से जो दर्द हमें मिला, वही दर्द अर्तुरुल सरदार की आंखों में देखना चाहती हूं मैं। गुंदूस जब जल्लाद की तरफ जाएगा तो अर्तुरुल सरदार के चेहरे पर अपने बेटे को खोने का जो खौफ होगा, उस खौफ को देखना चाहती हूं मैं। यही सबब है कि मुकदमा सऊद में चलाया जाए। अर्तुरुल सरदार को चाहिए कि इंसाफ के लिए गुंदूस को तलाश करें और पेश करें, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। कल तक कुंदूस सिपाही को अगर तलाश करके पेश नहीं किया तो ये तुम्हारे बेटे का ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी इख्तिताम होगा। ये बात फरामोश मत करना अर्तुरुल साहब।
उस्मान, उस्मान। हाँ। कहाँ थे आप उस्मान? गुंदुस कहाँ है? बाबा कहाँ है? मुझे भाई के बारे में कुछ बताना है। अमीर बहुत दिन से मुलाकात कर रहे हैं, वो अभी आप नहीं मिल सकते उनसे। मुझे बताइए क्या बात हुई है उस्मान? बहुत ही अहम बात है, मैं इंतजार करूंगा बाबा का। सोचो मेकिस, कोशिश करो याद करने की, जोर डालो जहन पे। उस दिन अर्तुरुल भाई को इत्तला देने वाला लड़का जिसने अपनी आंखों से गुंदुस को फरार होते देखा था, कौन था वो? यकीन करें कुछ याद नहीं बंसी भाई, उस दिन मैं उलझनों में था, कैसे याद हो सकता है? याद कैसे याद दिलाऊं तुम्हें, कुछ तो याद होगा। मुझे ये बताया कि उस दिन क्या हो रहा था? हाँ, ताजिरों के हवाले से बात हो रही थी। याद करो ये मामला मेकिस, जब हम बाहर खड़े हुए थे। देखो मैं तफसील से बताता हूँ। उस वक्त वहां डुमरुल आया था और हम लोग अर्तुरुल भाई से बात कर रहे थे। उसी वक्त डुमरुल उस लड़के को अपने साथ लेकर आया था। अच्छा लिबास पहना हुआ था उसने, घुटनों तक जूते पहने हुए थे, इतना लंबा था तकरीबन। भाई यह कहता है कि इसने गुंदुस को देखा है। बताओ जल्दी, कब और कहां देखा गुंदुस को? जवान, जवान कौन है ये और कहां मिलेगा हमें? बंसी भाई वो बाजार में एक दुकान में काम करता है, ताजिर फ्रेंकी। कहां है वो दुकान? भाई अमीर बहाउद्दीन यहां आएगा, मुझे पूरा यकीन था इस बात का, लेकिन इलबिलगे खातून का ये जारहाना रवैया समझ से बालातर है। कल जिस औरत को एतमाद था मुझ पर, आज मेरे मुकाबिल खड़ी हो गई है वो। इस तब्दीली की कोई वजह है आर्तुर भाई, मुझे वो वजह मालूम करना होगी। बाबा उस्मान, तुम कहां थे? तुम्हारा भाई कहां है? हम तुरना पहाड़ी पर गए थे बाबा, मैं खाना लेने के बहाने आपको बताने आ गया। अब्दुल रहमान, जल्द अज जल्द सिपाहियों को रवाना करो, उनसे कहो कि तुरना पहाड़ी पर तलाश करें, गुंदुस का कोई सुराग मिले तो फौरन मुझे बताना। जो आपका हुक्म भाई। तुम अपने भाई के साथ क्यों गए थे और भाई कहां है यह खबर पहले क्यों नहीं दी तुमने? मैं वहां उनकी मदद के लिए गया था बाबा, रास्ते में उन्हें कायल करने की कोशिश भी की, बहुत समझाया कि वो आपके पास आ जाएं, जब वो नहीं माने तो मैं बहाना बनाकर आपके पास आ गया। अब तुम सीधा कबीले जाओ, दादी तुम्हारे लिए परेशान होंगी, कबीले से बाहर मत निकलना बिल्कुल। बाबा आप नाराज तो नहीं है ना? भाई की मदद के लिए गए यही कहा है ना तुमने, और अब उसे बचाने के लिए यहां आ गए। अगर ऐसा ही है तो अच्छा किया है तुमने। अब दुआ करो तुम्हारा भाई जिंदा सलामत वापस आ जाए। खुशामदीद। ओह, आप यहां कैसे जनाब? अर्तुरुल हमारे चाल से बच गया जवान, इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे रुपोश हो जाता हूं मैं। अर्तुरुल वापस आ चुका है, तुम्हारा फरार होना बहुत मुश्किल है। फिर मुझे क्या करना होगा जनाब? मरना होगा। तुरना पहाड़ी की तरफ गए हैं वो लोग। बमसी सिपहसालार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जवान। ये कहां जा रहे इतनी जल्दी में? खैरियत होगी इंशाल्लाह मेरे भाई, चलो देखते हैं।
नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किसने मारा तुम्हें? किसने मारा है? बताओ मुझे किसने मारा है तुम्हें? रेको। बमसी भाई, बमसी भाई, किसने किया ये? किसने किया ये बताइए हमें। दूसरे दरवाजे की तरफ, वहीं से भागा है वो। गुनकुत, वो वहां से भागा है, जल्दी। बमसी भाई, हिम्मत रखे, आप ठीक हो जाएंगे। आराम से भाई, हिम्मत करे भाई, आइए मैं मदद करता हूँ। हिम्मत करे भाई, हिम्मत करे, कुछ नहीं होगा आपको, हिम्मत करे, हिम्मत रखे भाई। रास्ता दो, रास्ता दो। आपने मुझे याद किया था बाबा। तुम्हारा गुंदूस से क्या ताल्लुक है इरम? क्या वजह थी कि सिपाहियों की मदद से तुमने जान बचाई उसकी? मैंने देखा कि वो खतरे में है बाबा। इलबिल की खातून उसकी जान लेना चाहती थी। हरज ही क्या है किसी की जान बचाने में? बेटी, ये सब काम तुम्हारे करने के नहीं है। गुंदूस कत्ल के जुर्म में मुलव्वस है, उसे हर जगह तलाश किया जा रहा है। तुर्कों के मामलात में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, वरना मुश्किलात खड़ी हो सकती है हमारे लिए। अब बताओ मुझे, कहां है गुंदूस? वो अब कहां है मुझे नहीं मालूम, और वो बेकसूर है। ये कैसे कह सकती हो तुम? आखिर गुंदूस इतना अहम क्यों है तुम्हारे लिए? क्या उसकी हिफाजत तुम्हारा फर्ज था? हाँ, फर्ज था मेरा बाबा। गुंदूस मेरे लिए बहुत अहम है। आखिर क्यों इरन, क्यों? उसे मैं पसंद करती हूँ बाबा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हारी वजह से अब यह संदूक और इसमें मौजूद सामान महफूज रहेगा। अल्लाह तुम दोनों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई। अब इस संदूक का क्या करेंगे? वक्त आने पर इसके हकीकी वारिस तक इसे ले जाएंगे।
भाई, मुझे इस हार में कुछ नहीं मिला। त्योकलिस अगर इसे जमींदार की खिदमत में पेश करना चाहता था तो यह मुआम्मा भी जमींदार ही हल कर पाएंगे भाई। तुम्हें यह हार लेकर जमींदार के पास जाना होगा। क्या जमींदार पर भरोसा कर सकते हैं? हालात को पेश नजर रखें तो लगता है कि ड्रैगोस हमारा और उनका मुश्तरका दुश्मन है। वो बाजंतीनी सरहद पर और हम लोग सलजूक सरहद पर हैं। दुश्मन दोनों का एक ही है तुर्कुत। उम्मीद है कि वो तावुन करेगा। जी ठीक है भाई। वो हार का राज न जान सका तो परेशानियां उसे भी घेर लेंगी और ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। यह हार फौरन जमींदार के पास लेकर जाओ। जो आपका हुक्म भाई। सऊद में तुमसे कोई वाकिफ नहीं है मार्किन। सऊद और अतराफ में ड्रैगोस से मुतालिक मालूमात हासिल करो। अगर कुछ भी पता चले तो मुझे खबर दो। जो हुक्म सरदार। बहुत शुक्रिया। आर्तुक भाई। हुक्म कीजिए भाई। आज से ये कुंजी और ये संदूक आपके पास अमानत है। इसका पूरा ख्याल रखूंगा मैं। आ जाए बंसी भाई, आराम से, हिम्मत करें। फौरन आर्तुक भाई को लेकर आओ, जल्दी। बंसी से पास आला, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं भाई? इस हालत में तुम खुद को नहीं उठा सकते, मेरी क्या मदद करोगे? जाओ पानी लेकर आओ, आर्तुक भाई की मदद करना, जाओ। जी अभी लाया। जल्दी जाओ। अभी लाया जनाब। ये तफसीलात तो मेरी तवक्को से भी कहीं ज्यादा है एलबिल के खातून। इतने रंजो खम के बावजूद भी कोई कोताही नहीं की आपने अपनी जिम्मेदारी में। गुंदूस को सजा दिलाने की कोशिश में अपने फराइज को हरगिज नहीं भुला सकती। आला, फिर कल से महसूलात की वसूली शुरू कर दीजिए। जैसा आपका हुक्म। बिलबिल के हाथों आपने कहा था कि सऊद में ही मुकदमा चलाने की ख्वाहिशमंद है। क्या आप यहां मुमकिन आफात का मुकाबला कर पाएंगी? अर्तुरुल सरदार गुंदूस को बचाने की कोशिश करेंगे, मगर हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे लोग भी बहुत जल्द सऊद पहुंचने वाले हैं। उन्हें और उनके बेटे को कैसे सजा दिलवानी है अच्छी तरह जानती हूं मैं। आला, इलबिल के खातून, मेरी यहां आमद सिर्फ कुंदूस की
सजा के लिए ही नहीं बल्कि एक साजिश को उसके अंजाम तक भी पहुंचाना है। सऊद में एक शख्स है जो सुल्तान बनना चाहता है, अर्तुरुल। लेकिन अल्लाह के हुक्म से मेरी ये रियासत और रियासत के अमीर मेरे साथ हैं। अर्तुरुल सरदार कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं अमीर बहाउद्दीन। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कुंदूस कहां है? क्या हो रहा है यहां? जमींदार यानिस पिछले दिनों मिलने वाली खबरों से बहुत परेशान थे। ये किसी को नहीं बताते थे लेकिन मैंने कई बार देखा इन्हें अचानक पसीना आता और ये अपने दिल को थाम लेते। आप मुझे सच बताएं, आपने उसका सुराग कैसे लगाया? उससे कहना कुंदूस को कैद कर ले और अर्तुरुल को किले में आने की दावत दे।